ज्वाला देवी मंदिर। दोस्तों, ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा में स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर हजारों साल से ज्वाला देवी की ज्योत जग रही है, और वह भी बिना किसी घी या तेल के। यह ज्योति प्राकृतिक रूप से पहाड़ों के बीच बनी दरारों में से अपने आप निकल रही है। कुछ मुगल शासकों ने इसे बुझाने के लिए मोटे मोटे लोहे के तवे भी इस ज्योति पे रखवा दिए थे, पर उन तवों की सतह फाड़ के भी यह ज्योति जलती रही। महाभारत काल में भी ज्वाला देवी का वर्णन मिलता है। इस मंदिर में पानी का एक छोटा सा कुंड भी है, जिसको अगर आप दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पानी उबल रहा है, लेकिन जब आप पास जाके उस पानी को छुओगे तो पानी आपको बिल्कुल ठंडा मिलेगा। हजारों सालों से जलती हुई ज्योत, पानी का उबलता हुआ दिखना आज भी एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य है। सुगली माता मंदिर, राजस्थान, ओवा। सुगली माता मंदिर राजस्थान के ओवा में स्थित है। अगर आपको अनसुलझी और रहस्यमयी जगहों पर जाना पसंद है तो आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। इस मंदिर की रहस्यमयी बात यह है कि इसमें लगाई गई दो मूर्तियों में से एक मूर्ति की गर्दन बाईं ओर झुकी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सालों पहले अंग्रेजों के वक्त में एक अंग्रेज ऑफिसर ने माता की मूर्ति पे गोली चला दी थी, और वह गोली मूर्ति की गर्दन पे जा लगी। तब से माता की मूर्ति की गर्दन झुकी हुई है। दोस्तों, रहस्यमय बात तो यह है कि जब भी कोई इस मूर्ति को बदलने की कोशिश करता है तो वो रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ जाता है, और अगर कोई इस मूर्ति को बदल भी देता है या फिर पुरानी मूर्ति को रिपेयर कर देता है तो रहस्यमय तरीके से मूर्ति की गर्दन अपने आप एक और झुक जाती है। तो दोस्तों, अब इसे भगवान का चमत्कार कहें या फिर रहस्यमय साइंस, यहाँ की मूर्ति का रहस्य आज तक नहीं खुल पाया है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हनुमान जी का मंदिर, जहां हर रोज हजारों लोग भूत पिशाचों या चुड़ैलों से पीछा छुड़वाने के लिए यहां आते हैं। यह मंदिर जयपुर से 65 किलोमीटर दूर है। आज के इस मॉडर्न युग में इस प्रकार की चिकित्सा थोड़ी अजीब लगती है। यह समझ पाना आज भी कठिन है कि हजारों लोग यहाँ इस प्रकार का इलाज करवाने आते हैं, जिनमें पुजारी उन्हें जोर जोर से चिमटों से मारते हैं या उन पर गर्म गर्म पानी डाला जाता है। यहाँ कई लोगों को जंजीरों से बांध के रखा जाता है, और बहुत से लोगों को उल्टा लटका हुआ भी देखा जा सकता है। इस मंदिर में एक छोटा सा कुंड है जिसमें पानी कभी खत्म नहीं होता। हजारों लोग यहाँ से पानी लेते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। यह हनुमान जी की कृपा है या फिर लोगों का अंधविश्वास, इसका फैसला आप पर ही निर्भर करता है। जगन्नाथ पुरी मंदिर का रहस्य। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु अपने चारों धामों में जब जाते हैं तो बद्रीनाथ धाम में स्नान करते हैं, द्वारिका धाम में वस्त्र धारण करते हैं, पुरी धाम में भोजन ग्रहण करते हैं और रामेश्वरम धाम में विश्राम करते हैं। द्वापर युग के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी धाम में निवास करने लगे और उन्हें जगन्नाथ कहा जाने लगा। पुराणों में जगन्नाथ पुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। दोस्तों, इस मंदिर में बहुत से रहस्य हैं, जैसे कि मंदिर के शिखर पे जो ध्वज है उसे रोज बदला जाता है, और यह ध्वज हमेशा हवा से विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के शिखर पे एक सुदर्शन चक्र है, जिसे आप कहीं से भी देखो तो ऐसा लगता है कि उसका चेहरा आपकी तरफ है। मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रख कर चूल्हे पे चढ़ाए जाते हैं। जो बर्तन सबसे ऊपर होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद पकता है, और जो बर्तन सबसे नीचे होता है उसमें प्रसाद सबसे आखिर में पकता है। जैसे ही आप मंदिर में पहला कदम रखोगे तो समुद्र का शोर सुनाई देना बंद हो जाएगा, और जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलोगे आपको समुद्र का शोर फिर से सुनाई देने लगेगा। आमतौर पर मंदिर के ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे रहते हैं, पर जगन्नाथ पुरी मंदिर के आसपास एक भी पक्षी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि हवाई जहाज भी मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरते हैं। दिन में कभी भी मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती, और आमतौर पर दिन में हवा समुद्र से धरती की तरफ आती है, पर जगन्नाथ पुरी में इसका उल्टा होता है। तो दोस्तों, क्या जगन्नाथ